दोस्तों, आज हम आपको जस्सी मिट्टू की प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो साल 1994 नवंबर की ठंडी शाम, पंजाब का शहर जिसमें सुखविंदर सिंह सिद्धू उर्फ मिट्टू अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव तक जाने वाले टेम्पो का इंतजार कर रहा था। मिट्टू की उम्र लगभग 22 साल होती है और वो पंजाब के खोखा गाँव से था और उसका परिवार खेती करके अपना पेट पालता था। सभी लोग टेम्पो का इंतजार कर रहे थे और तभी उनकी नजर सामने से तीन आ रही लड़कियों पर पड़ती है, जिनमें से दो कुछ छोटी होती हैं और एक 20-22 साल की खूबसूरत लड़की होती है। अब वो लड़कियां और मिट्टू के दोस्त टेम्पो में बैठ जाते हैं और वो लड़की जिसका नाम जसविंदर कौर उर्फ जस्सी था, वो और मिट्टू साथ साथ बैठते हैं और जस्सी मिट्टू को देख के बार बार मुस्कुरा रही थी। तभी मिट्टू की मंजिल आ जाती है और वो चला जाता है। अगले दिन उन दोनों की मुलाकात फिर होती है और वो थोड़ी सी बातें करते हैं और अगले दिन जगराओं में मिलने का वादा करके चले जाते हैं। घर आकर मिट्टू अपने दोस्तों से जस्सी के बारे में पता करता है कि वो कनाडा में रहती है और एक करोड़पति परिवार से है और उसके पापा का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। फिर जस्सी और मिट्टू मिलते रहते हैं और जस्सी को मिट्टू से लगाव हो जाता है और उन दोनों में बहुत प्यार हो जाता है। फिर जस्सी का वो दिन आता है कि जब उसे कनाडा वापस जाना होता है। ये सुन के मिट्टू और जस्सी बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन जस्सी को कनाडा जाना ही पड़ता है। लेकिन जस्सी हर साल सर्दियों में अपने गांव आती है और मिट्टू से मिलती रहती है। इनके रिश्ते को अब 4 साल से भी ज्यादा हो जाते हैं और फिर 1999 में हर साल की तरह जस्सी और उसका परिवार गांव आते हैं। लेकिन इस बार जस्सी का परिवार उसकी शादी कराने के लिए आता है, लेकिन जस्सी कई बार मना करती है। लेकिन घर वालों ने लड़का भी पसंद कर लिया था और अब उसकी जिद कोई मायने नहीं रख। फिर जस्सी के परिवार में उसकी एक आंटी थी जो उसके बेहद करीब थी और वो उसको सब बताती है और बोलती है कि अगर मेरी शादी मिट्टू से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। फिर उनके पास एक प्लान होता है कि अगर जस्सी और मिट्टू की शादी हो जाती है तो जस्सी के परिवार वालों को मिट्टू को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और फिर 15 मार्च 1999 को वो दोनों शादी कर लेते हैं और किसी को कुछ नहीं बताते। और फिर थोड़े दिनों बाद जस्सी वापस कनाडा चली जाती है। वो दोनों अपनी बातें पत्रों और फोन से ही करते हैं और ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और तभी मिट्टू के परिवार वालों को मिट्टू और जस्सी की शादी की बात पता चलती है और वो जस्सी के घर कनाडा में कॉल करके सब कुछ बता देते हैं। और तभी इस कहानी में बहुत तेज मोड़ आता है। अब जैसे ही सब कुछ सामने आता है तभी जस्सी की माँ कहती है कि जो हो गया अब उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा और मिट्टू की कनाडा बुला के फिर से बड़े धूमधाम से शादी की जाएगी। सब कुछ सरल चल रहा था। फिर जस्सी की माँ जस्सी के पास कुछ कागज लेके जाती है और बोलती है कि यहाँ तुम्हारे साइन चाहिए, तभी हम मिट्टू को यहाँ कनाडा बुला सकते हैं। मिट्टू उन कागजों को अच्छे से पढ़ती है और वो कागज मिट्टू से ही संबंधित होते हैं और जस्सी उन पर साइन कर देती है। तभी ये पता चलता है कि उनमें से एक कागज ये था कि मिट्टू ने जस्सी को किडनैप करके उसको मार के और जबरदस्ती शादी की है और जस्सी के घर वाले ये कागज पुलिस के पास जाकर भेज देते हैं और मिट्टू के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। इसके बाद पुलिस मिट्टू को पकड़ के अरेस्ट कर लेती है और बहुत मारती है और काफी दिन जेल में रखती है। उसके बाद जब जस्सी को पत्र और कॉल का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो मिट्टू के दोस्त को कॉल करती है, जहां से उसे पता चलता है कि मिट्टू जेल में है और उस पे अपहरण, मारपीट और जबरन शादी का आरोप लगा है। इसके बाद जस्सी किसी तरह भारत आती है और कोर्ट में गवाही देती है कि मिट्टू ने कोई जबरदस्ती नहीं की। ये सुन के जस्सी मिट्टू बहुत खुश हो जाते हैं। जस्सी और मिट्टू को कोई डर नहीं था और वो बिना डरे शॉपिंग के लिए जाते हैं। जाते वक्त मिट्टू के परिवार वालों ने कहा था जितना जल्दी हो सके वापस आ जाना। फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए गए और उनको काफी टाइम हो गया, लेकिन वो वापस अभी तक नहीं आए।
मिट्टू के परिवार वाले चिंता करते हैं कि हमने तो उन्हें जल्दी आने के लिए कहा था लेकिन वो अभी तक नहीं आए। उनको दाल में कुछ काला लगने लग जाता है और उसके बाद काफी टाइम हो जाता है लेकिन उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। तभी मिट्टू के परिवार वाले उन्हें ढूंढने लग जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि मिट्टू एक हॉस्पिटल में एडमिट है और वो सब वहाँ जाते हैं। कुछ देर बाद जब मिट्टू को होश आता है तो वो सबसे पहले जस्सी का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने लग जाता है। तभी सब लोग उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ और जस्सी कहाँ है। तभी वो बताता है कि हम कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद जस्सी अपने लिए कुछ शॉपिंग करती है और वापस घर आने वक्त मिट्टू को कोई हाथ दे के रोकता है और मिट्टू के सिर पर रॉड मारता है और उसे बहुत मारते हैं। उसके बाद उसे नाली में फेंक देते हैं और वहां से आते जाते लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और शायद वो लोग ही जस्सी को ले गए होंगे। कुछ दिनों बाद जस्सी की लाश उसके गांव में मिलती है। जस्सी का गला रेत कर बहुत बेरहमी से हत्या की गई होती है। जब पंजाब पुलिस जस्सी की लाश पक्का करने के लिए जस्सी की माँ से पुष्टि करती है तो वो साफ इनकार कर देती है लेकिन मिट्टू और उसके परिवार वाले बोलते हैं कि ये लाश जस्सी की ही है। अब पुलिस के पास हत्या का केस भी दर्ज होता है और वो कार्यवाही करती है। जस्सी के हत्याकांड में शामिल कुछ लोग मिलते हैं जो अपना गुनाह कबूल करते हैं और तभी वो बताते हैं कि हमें ये सब करने को जस्सी की माँ ने कहा था। उसने हमें 6 लाख रुपए दिए थे मिट्टू और जस्सी को मारने के लिए लेकिन मिट्टू बच गया। उसके बाद पंजाब पुलिस मिट्टू के मामा को गिरफ्तार करती है जो इस केस में मिला होता है और वहाँ कनाडा में जस्सी की माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मिट्टू और उसके परिवार पर बहुत आरोप लगते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तभी मिट्टू पर कई केस दर्ज होते हैं और उसे 4 साल की जेल हो जाती है और दूसरी ओर जस्सी की माँ को भारत लाया जाता है और यहाँ आकर जस्सी की माँ और मामा को कोई सज़ा नहीं होती है और उनका बाल भी बांका नहीं होता। 2022 में मिट्टू पर ड्रग स्मगलिंग केस पे उसे जेल में डाला जाता है। कुल मिलाकर कहें इस केस में बिल्कुल भी न्याय नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।